हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा ब्लेज NXT एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, और ये लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ये ऑप्शन मिलेगा, डिस्प्ले पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिस्प्ले के इस पेज में नीचे आना है और यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का ये ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन डिस्प्ले के इस पेज में ये आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, लॉक स्क्रीन पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर लॉक स्क्रीन का एक छोटा सा पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पहला वाला शो ऑल नोटिफिकेशन कॉन्टेंट, ठीक है, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ आ रहा है शो ऑल नोटिफिकेशन कॉन्टेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग आपकी इनेबल हो जाती है, यानी कि ऑन हो जाती है। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो जब भी आपका मोबाइल फोन जो है लॉक स्क्रीन पर होगा, इस तरीके से ये आपके मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन है, तो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर रिसीव होगा, ठीक है, तो आपको इस लॉक स्क्रीन पे दिखाई देगा। जैसे मुझे ये, जैसे मेरे मोबाइल फोन पे ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। अब मैं आपको जो है ये एक तरीका बता देता हूँ कि आप इस सेटिंग को जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग को आप अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो है मोबाइल का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च सेटिंग, सर्च सेटिंग पर आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले आपको टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड ये लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऑप्शन शो हो जाएगा तो इसे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे सिलेक्ट करेंगे तो इससे होता क्या है कि आपका मोबाइल फोन जो है आपको डायरेक्ट इस सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका भी मैंने आपको बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।